एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है। अब पैसा तो पैसे को खींचता है, लेकिन हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पैसा कहीं सही जगह में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों बाद आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में आती है FD करवा लो भाई, कोई ज़मीन खरीद लो, सोना खरीद लो। हमारा दिमाग बस इन्हीं 4-5 चीज़ों के दायरे में घूमता है। शायद हम भूल जाते हैं कि कई और ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कुछ सालों बाद ले सकते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ये रिलेटेड है पोस्ट ऑफिस से। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस से कुछ ऐसा, आप पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी रकम निवेश कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम रकम, जिसके बाद आपको ढेर सारा फ़ायदा जो है वो कुछ सालों के अंदर मिलने लगेगा। तो वो तमाम चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर का बटन दबाइए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि पोस्ट ऑफिस में आप कैसे अपना कितना पैसा निवेश करके आप कितने सालों में आप उसका डबल ट्रिपल पैसा ले सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है। रेकरिंग डिपॉजिट। छोटी मोटी बचत को निवेश करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट एक पॉपुलर विकल्प है। इस खाते में मंथली बेसिस पर भी, यानी हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ मोटी रकम ही निवेश की जाए। इस पर 5.80% कंपाउंडिंग तिमाही ब्याज मिलता है। किसान विकास पत्र। अपनी निवेश की गई रकम को दोगुनी करने के लिए किसान विकास पत्र शानदार स्कीम है। इसमें महज 100 महीने में आपका निवेश दोगुना हो जाएगा। इस योजना में 6.9% कंपाउंडिंग सालाना ब्याज मिलता है। यानी अगर आपने इसमें पैसे जोड़कर 2,00,000 भी निवेश कर दिए तो 100 महीने में आपके हाथ में 4,00,000 रुपए होंगे। इसमें आपकी डिपॉजिट को किसी करीबी को ट्रांसफर करने की भी सुविधा होती है। टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट खाता आप सिर्फ 1,000 रुपए देकर खुलवा सकते हैं। हालांकि इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में आपको निवेश की गई रकम पर 6.7% कंपाउंडिंग तिमाही ब्याज मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSE में हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। इसमें आप 100 रुपए में भी निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। इस स्कीम के तहत आपको 6.8% कंपाउंडिंग छमाही ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों की शादी और पढ़ाई में मदद के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा कई लोग उठा रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। इसमें 7.6% की दर से ब्याज मिलता है। वहीं IT कानून के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलता है। तो देखा आपने, ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि कोविड के दौरान हम सब ने देखा है कि छोटी छोटी रकम भी अगर आप जोड़ें ना, तो वो बुरे समय में काम आती है। तो आप, बहुत ज़रूरी है कि पैसा बचाएं, पैसा अच्छी जगह निवेश करें, ताकि आने वाली जनरेशन्स, हमारे बच्चों के लिए वो पैसा जो है किसी काम आए, हमारे लिए काम आए, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता। तो निवेश कीजिए पैसा अपने सही जगह पर, और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप ट्राई कीजिए इनको, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।